गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं सुबह से बैठी हूँ, अपनी एडिटिंग कर रही हूँ। मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, अपलोडिंग हो गई है, देखो। और इधर कबीर को देखो, आज कटिंग करा के आया, आईब्रो की है, वो अपना होमवर्क कम्प्लीट कर रही है। कबीर आइए, अपना होमवर्क कम्प्लीट कर रही है। काम मेरा लगभग सब हो गया, बस अब ब्रेकफास्ट करना है। आज मम्मा बाद में कितनी बारिश पड़ रही है और आयरा को ट्यूशन छोड़ के हम जाएंगे शॉपिंग करने। अरविंद की सिर्फ इन्हीं की रह गई है और ठंड बहुत है। नटू गोपाल कुकड़ी बनी हुई है। तो गाइस, आयरा जा रही है ट्यूशन, बाहर बारिश पड़ रही है, देखो। तो गाइस यहाँ चल रही है अरविंद की शॉपिंग। तो गाइस यहाँ आते हैं हम लोग पकोड़े लेने के लिए, क्योंकि बारिश का टाइम है। आप देख सकते हैं बारिश आ रही है और इस बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े खाने का तो मज़ा ही मज़ा अलग है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ले रहे हैं गर्मा गर्म पकोड़े और देख सकते हैं हम। गरम गरम पनीर के पकौड़े, जिसने खाने आ जाओ, मोस्ट वेलकम। साथ में गरम चाय। तो यहाँ और ये आयरा की कटिंग। इतने बाल काट दिए आए रखे। करा लिया आयरा ने कटिंग, पीछे घूमो धीरे धीरे, देखो। चल बस। हे गाइस, तो भी पिछले रात के 11:30 और फाइनली हमारी पैकिंग हो गई है, देख सकते हो। ये जाने वाले कपड़े रखे हैं ऊपर, वो भी बैग पैक, ये भी बैग पैक। ये लैपटॉप वाला फिलहाल मैंने खोला है अपना लैपटॉप, क्योंकि मैंने करने लगी एडिटिंग। बैग पैक है
उसमें एक्चुअली छोटे वाले बैग में सिर्फ हमने खाना रखना, वो सुबह मैं रोटी बनाऊँगी तो मैं रख दूँगी। और हाँ, सब्जियाँ बना के मैंने रात में ही फ्रिज में रख ली हैं, क्योंकि ठंड का टाइम है, सब्जी ख़राब नहीं होगी, एटलीस्ट दो दिन तो चली जाती है ना बाहर रखने से सब्जी, ठंड काफ़ी है तो। और सूखी सब्जियाँ बनाई हैं मैंने, दो सब्जियाँ बनाई ली हैं, एक पनीर की और एक बनाई है मैंने आलू की। आलू की जो है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, वैसे भी नहीं होती है तो हम ले जा सकते हैं उसको। और सेकेंडली कि हाँ, जो हमारा पैकिंग ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई है और इस टाइम मैं बैठी हूँ और सब बच्चे सो गए हैं, सब सो गए हैं। फ़िलहाल मैं इसलिए यहाँ बैठी हूँ लैपटॉप पे कि मैं एडिटिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सारा दिन हमारा आज भाग दौड़ में निकल गया, कभी कुछ आने वाला था, कभी कुछ, छोटा छोटा छोटे छोटे सामान बहुत हो गया था। मेडिसिन सबसे ज़रूरी कि बच्चे साथ में, और हमें 24 घंटे से ज़्यादा हमें ट्रेन में रहना है तो एटलीस्ट मेडिसिन तो हमें चाहिए चाहिए, तो इस वजह से हमें काफ़ी टाइम लग गया। और सब कुछ चीज़ें अरेंज करी, छोटी छोटी चीज़ें बहुत हो गई थी तो वो सब अरेंज करी, तो चलो ले दे के सब कुछ कंप्लीट हो गया और सब कुछ अच्छे से हो गया और सारी पैकिंग भी हो गई है। हाँ, अब मैं सिर्फ बैठी हूँ अपनी एडिटिंग करने, क्योंकि इस चक्कर में, भाग दौड़ के चक्कर में मैंने अपनी एडिटिंग नहीं की थी, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं, मतलब कि नेक्स्ट डे अगर मेरे फ़ोन में नेटवर्क ना मिले या कोई प्रॉब्लम आए तो इस वजह से कहीं मेरा व्लॉग अपलोड ना हो पाए रास्ते में, तो मैंने कहा चलो मैं दो व्लॉग्स एटलीस्ट लेके चलती हूँ जो मतलब कि मेरा वहाँ पहुँचने तक तो एटलीस्ट आ जाएगा। अगर मैं रात में भी वहाँ पहुँच गई ना तो मतलब कि मैं एडिटिंग कर सकती हूँ। एडिट करके तो मैं एक व्लॉग मैं ट्रेन में कल मैं लगा दूँगी, मतलब कि तीसरा व्लॉग है ना, कि वो जब मर्जी 24 घंटे 30 घंटे जितने लगे धीरे धीरे अपलोड हो जाए, है ना, बट ये ज़रूरी है। तो बस इसके साथ मैं करती हूँ, मैं कर लूँ एडिटिंग और मैं फटाफट से अपलोड कर दूँ, तो यहाँ मैं कर देती हूँ इस वीडियो को एंड। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय गाइस, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।